नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। शहर में जो स्थिति ये लगभग 12 बजे गोले के मंदिर पे कुछ नवयुवक इकट्ठे हुए और आर्मी भर्ती के जो नियम हैं उसको लेके इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना चालू किया। खबर मिलते ही एडिशनल एसपी समेत एक दो टीआई और कुछ बल वहाँ पे पहुँचा, उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु इस बीच में अचानक उनकी भीड़ काफ़ी बढ़ गई और उन्होंने गोले के मंदिर को जाम कर दिया। वहाँ कुछ बैरिकेड वगैरह जो रखे थे उसको तोड़ा और एक पुतला लाए थे उसमें आग लगाई। इसी बीच में फोर्स हमारा काफ़ी पहुँच गया और उनको समझाने का प्रयास किया, तो ये लड़के जिनकी संख्या लगभग 1000 से ऊपर थी ये सब दौड़ते हुए हजीरा रेलवे स्टेशन तक आए और रास्ते में इन्होंने कुछ रेलिंग भी उखाड़ी हैं। हजीरा रेलवे स्टेशन पे इन्होंने यात्रियों के बैठने की जो बेंचेज हैं इनको उल्टाया, कुछ ठेले उल्टाए और फिर फोर्स वहाँ पहुँचा तो ये मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। मुख्य रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी हमारा पॉइंट लगा हुआ था, वो पॉइंट आगे आया। डीएम साहब और मैं भी वहाँ पहुँच गए थे, उनसे बात करने का प्रयास किया किंतु लड़के उसके लिए तैयार नहीं हुए और ट्रैक पे काफ़ी गिट्टी थी, तो उनको जब मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ आने का इन्होंने प्रयास किया तो उनको थोड़ा हल्का सा खदेड़ा, तो ये भागे रेलवे स्टेशन से। भागते हुए इन्होंने एक ट्रेन खड़ी थी उस पर पथराव किया तो उसके कुछ कांच टूटे हैं। फिर ये शहर में जब आए, विशेषकर पुराना पड़ाव पुल, नया पड़ाव पुल, तानसेन नगर, सेवा नगर, खेड़ापति मंदिर के आसपास ये लोग फैले, किंतु तब तक हमारे पास पर्याप्त बल आ गया था और सभी एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई गलियों में मोबाइलिंग की तो ये सारे लड़के डिस्पर्स हो गए हैं और इसमें हमको टीयर गैसिंग का प्रयोग करना पड़ा और एक दो जगह हमको हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 1.5 घंटे तक ये लड़के घूमते रहे, परंतु इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं है, किसी को चोट भी नहीं है और कोई बड़ा प्रॉपर्टी लॉस भी नहीं है। छुटपुट बेंचेस और रेलिंग वगैरह और एक ट्रेन के कुछ कांच इनके द्वारा तोड़े गए हैं। अब हम वीडियोग्राफी के आधार पे इनको चिन्हित करके और इनकी गिरफ्तारियां करेंगे। नहीं, अभी आपने देखा, आपको ट्रैक भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, एकदम सब सिचुएशन नॉर्मल है। वो 2 घंटे के लिए थोड़ा सा टेंस हुआ था कि कुछ बच्चे जो है जो 4 ईयर इंडक्शन का विरोध कर रहे थे वो आ गए थे तो गोले के मंदिर पे और बिरला नगर में और ये अपना पड़ाव पे, तो हम लोगों ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली और कोई ऐसा ह्यूमन लॉस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का मेजर लॉस नहीं है। कहीं पे रोड के किनारे के बैरिकेड कहीं तोड़ दिए थे, एक दो कुर्सियां बैठने की जगह ऐसे करके एक दो कांच ऐसे टूटे, बट कोई मेजर ऐसा लॉस नहीं है और सिचुएशन। पुलिस ने एक्शन लिया है, लाठी चार्ज वगैरह किया है, कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है ऐसा नहीं? अभी हम लोगों ने सबको भगा दिया है और अभी कोई उपद्रव नहीं, जो भी उपद्रव करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ट्रैक पूरा नॉर्मल है, अभी ट्रेन रिस्टोर होने जा रही है, DRM से बात हो गई है, अब पूरी सिचुएशन नॉर्मल है, 1/2 घंटे में सब कुछ जो है ट्रेन रिस्टोर हो जाएगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।